आप सबके माध्यम से मैं माननीय भवन यादव साहब को मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त कराना चाहता हूं, अटेर विधानसभा बंपर मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के जाएगा। जोरदार तालियों से एहसास कराइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में आए हैं, ये चुनाव का समय है, चुनाव के समय में कोई घोषणाएं नहीं कर सकते हैं, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब भी कोई बात होगी तो अटेर के विकास के लिए, अटेर के जन कल्याण के लिए, अटेर के विषय के लिए, अटेर के डेवलपमेंट के लिए, अटेर के सड़कों के लिए, पानी के लिए, नहरों के लिए जब भी जाएंगे आदरणीय मोहन यादव साहब मुझे कभी मना नहीं करेंगे। मुझे मेरे बड़े भाई है और बड़ा स्नेह रखते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं बंधु, इसलिए हमारे बीच में आज आए हैं, हम सब उनको सुनने के लिए आए हैं। माननीय मोहन जी, ये चंबल घाटी है, चंबल घाटी हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है, चंबल के लोग ईमानदारी निष्ठा के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं, आपको पूर्ण आशा और विश्वास के साथ आश्वस्त करते हैं। बहन संध्या राय को आपके नेतृत्व में भारी बहुमत से विजय बनाएंगे और संध्या राय तो सांसद हो गए। क्यों हो गई सांसद? एक तरफ संध्या राय सहस्रम प्रतिमा की धनी है और दूसरे तरफ जो लड़ने वाला है वो नाम क्या है, बरैया है कि कतैया है कि बोले तो बुझाना, ऐसा लगता बिच्छू का डंक घुसा दिया है। उसके वीडियो देख लोगे तो हाथ काट जाएगा, उसको वोट नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसे जो लोग एक समाज विघातक लोग हैं, समाज में झाइया करने वाले लोग हैं। इसलिए बंधु सबकी राय, सबकी राय, सबकी राय, बंधु हम सब लोग संध्या राय को भारी बहुमत से विजय बनाए, वोट परसेंट बनाए, वोट के लिए गांव गांव से निकल जाए, भारी संख्या में दूर दूर से आए, पूरी सड़क पटी पड़ी है। तो बंधुओं इन्हीं शब्दों के साथ आज मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।